नमस्कार दोस्तों, मिस्टर मीना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज है दीपावली का दिन और आज हमने यार दीपावली गांव और शहर में नहीं बल्कि हमने एक वीरान किले के अंदर दीपावली मनाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं देलानपुर के किले में हूँ। वहाँ पर आज शनिवार का दिन है और मैं अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी के मंदिर में आया हूँ। तो मैंने देखो किस तरह से दीपावली मनाई है, तो मैं मेरे कैमरा मैन से बोलूँगा कि आप जल्दी और उसका दृश्य दिखाइए। इस जगह पे आना जहाँ पे मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, हाँ, यहाँ आकर के और यूं से यूं घुमाना, इधर आओ यहाँ, ठीक है सब। तो यार दोस्तों देखो, ऐसा लग रहा जैसे यार कोई ये मेरा गांव का, पहले जब मेरे को मजा आ रहा दीपावली पे, गांव से भी ज्यादा मजा आ रहा है। तो मैंने वहां पर दीपक लगाया, इधर माताजी के मंदिर में भी हमने लगाया, और जो सामने पूरा जो रास्ता है हमने देखो किस तरीके से क्या कर रखा है। और ये जो किला है यार कितना प्यारा लग रहा है यार, मुझे एक पल भर के लिए मतलब वो 1000 साल पहले का सपना याद आ रहा है। सपना क्या, मेरे रियली लग रहा है जैसे मैं ही उनमें से एक आदमी होगा, जो मैं यहाँ पर हमारा घर होगा, मैं ही सारे दीपक जला रहा हूँ और मुझे आनंद आ रहा है यार, क्या बताए, मतलब जितनी तारीफ करे उतना ही कम है। दोस्तों अभी हम उस माता जी के मंदिर के वहां से चलते हैं, पूरे रास्ते का सीन दिखाते हैं आपको पुराने मंदिर का। आप देखेंगे कि यार ये वीरान 1000 साल पहले का जो वीरान किला है, तो इसमें देखिए आज पहली बार दीपावली मन रही है। जल्दी आओ अंधेरा हो जाएगा। वो उधर का भी, वो और ये तीनों दिख जाए एक साथ, दिख गए वो और वो दिख रहे। आओ आ जाओ इधर, यहाँ आओ मेरे पास आओ। तो देखो दोस्तों यार, कहते हैं ना यार कभी ना कभी किसी के दिन आते हैं। एक मिनट रुकिए, तो आपने देखा होगा कि यार मैं जो बोल रहा हूँ कि ये 1000 साल पहले का वीरान किला है। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि इसमें आज दिन तक किसी ने दीपावली मनाई नहीं होगी, लेकिन 1000 साल पहले तो यहाँ पर दीपक ही दीपक रहे होंगे। और कितना मजा आता होगा यार उन लोगों को, खेल चहल पहल, घोड़े गाड़ी टांगा, ऊंट गाड़ी, भेड़ बकरियां, बहुत सारा बाजार रहता था यहाँ पर। तो और दीपक ही दीपक रहते थे इस टाइम पे, आज दीपावली का दिन है। तो शायद वो पल तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन 1000 साल पहले की जो दीपावली, तो वो हमने भी यहाँ पर दीपक लगाए माता जी के मंदिर के वहां पर, और जो हमारा रास्ता वहां पर भी लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत गजब का सीन है। बहुत उस माता जी के मंदिर का सीन लेकर के और इधर दिखाएंगे। अभी हम जो हमारे जो कैमरा मैन है, वैसे थोड़े कानाड़ी है, उनको फोटो खींचना का माती, लेकिन कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। तो आ जाओ। और ये जो था पुराना जो किला था दोस्तों, आपको बताया देलनपुर जो तंत्र विद्या का सबसे बड़ा महाविद्यालय यूनिवर्सिटी हुआ करती थी यहाँ पर, लेकिन यार यहाँ पर आज कुछ भी नहीं है। तो अभी अंधेरा होने वाला हो, तो मैं थोड़ा जल्दी में यार दोस्तों मेरे साथ आइए। जो रास्ता है आपको ले चल रहा हूँ मैं हनुमान जी के मंदिर पे। मैंने देलनपुर के पहले भी बहुत बड़े वीडियो बनाए थे, लेकिन अभी का जो रास्ता है आप दंग रह जाएंगे देखते हुए दोस्तों। और बाबू जी ऊंचा करके लेना है, सारे दीपक आ रहे हैं बिल्कुल। देखिए दोस्तों ये जो दीपक चल रहे हैं, हमारे जो वहां पर जो ठाकुर जी का मंदिर था, और उस मंदिर तक हमारे दीपक जल रहे हैं। और यार एक पल भर के लिए कल्पना करके सोचो कि आज सच में देलनपुर में सच में दीपावली मन रही है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई है तो नहीं, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। एक बार राउंड करें, मतलब बाबा जी धीरे धीरे यूं घुमाना, चारों तरफ यूं सारा आ जाना चाहिए, धीरे 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 उधर का धीरे धीरे आपको 360 डिग्री का रोटेशन करके दिखा रहे हैं हमारे कैमरा मैन। और आप देखेंगे कि यार सच में यहाँ पर दीपावली मन रही है, और शाम का टाइम है दोस्तों, इतना मजा आ रहा मुझे। तो मैं अपने जो
अपनी जो कल्पना ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ उस चीज को। मुझे आनंद आ रहा है यार, इतना आनंद आ रहा है, आप देख सकते हैं यार। और देख लीजिए पूरा जो मैंने, जैसे श्री राम जी आएंगे यहाँ पर, आप सेम मैंने वैसा ही जुगाड़ किया जैसे राम जी और सीता माता जी यहाँ आएंगे और हनुमान जी से मिलने जाएंगे, जैसे वो अयोध्या से जाते हैं, अयोध्या में आए थे पहली बार, उस तरीके से लोगों ने जैसे दीपक रख के सजाया था, सेम वैसे के वैसे ही पोज मैंने देने की कोशिश करी है। दोस्तों मेरा नाम राजेश मीणा और मैं यूट्यूबर हूँ दोस्तों, आपके लिए नए नए वीडियो लगाऊ, तो प्लीज यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो ये है देलनपुर, देलनपुर झालावाड़ जिले में, तो आ जाइए आप। झालावाड़ जिले का बहुत बड़ा ये तंत्र यूनिवर्सिटी हुआ करता था 1000 साल पहले, लेकिन यार दोस्तों आज तो यहाँ पर सिर्फ खंडहर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर इसके दिन वापस ला सकते हैं, क्यों ना हम दिवाली मना करके वो 1000 साल पुरानी यादें इस शहर की ताजा कर सके। और दोस्तों मैंने कई सारे वीडियो बनाए, मैं तो केवल जो हनुमान जी का भक्त हूँ और यहाँ पर जो मैं हनुमान जी की पूजा करने आया था, लेकिन मेरा मन करा कि यार क्यों ना ये देलनपुर को सजा दिया जाए और ये दिवाली हम गांव और शहर में नहीं बल्कि एक प्राचीन शहर में मनाएंगे, वो है देलनपुर झालावाड़ जिले का। यहाँ पर बहुत कुछ है देखने लायक दोस्तों, यहाँ पे मुझे बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त हुए, कई तरह की आवाजें आई और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत रहते थे, उनकी जो आत्मा है वो रहती है यहाँ पे मौजूद, और हमें जो उनके दर्शन हो जाए तो हमारे बारे नहरे हो जाए दोस्तों। तो खैर मुझे ऐसा दिखा तो नहीं, लेकिन यार कुछ भी कोई दीपावली है ये मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गई और मेरे को मरते दम तक ये याद रहेगा कि यहाँ पर जो है देलनपुर में मैंने 1 साल सन 2020 की दीपावली मनाई थी, और जो तमाम आत्माएं होंगी यहाँ देलनपुर की वो भी खुश हो रही होंगी कि यार ये कौन आ गया जो उसने यहाँ पर 1000 साल बाद दीपक की रोशनी कर दी। आइए बाबूजी चल रही है रिकॉर्डिंग। बिल्कुल वो देखिए दोस्तों, वो जो उधर से यहाँ से, हाँ इधर का इधर से लेकर के यूं घूमना, तो दोस्तों ये जो है वो प्राचीन मंदिर था, वैसे मैंने वीडियो में बता रखा उधर माता जी का वहां पे मंदिर जोड़ का, और एक रास्ता ये जो ठाकुर जी का मंदिर था, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो देलनपुर से अभी इस रास्ते से हमने जो सजाया राम जी का जो रास्ता अयोध्या में जाता है, और ये जो रास्ता है ये भी हम इससे भी किले के द्वार पे जा सकते हैं। और दोस्तों अब मेरे पास समय नहीं है क्योंकि यार अंधेरा हो रहा है, वीडियो में थोड़ा ब्लैक ब्लैक आएगा, तो मैं मेरे कैमरामैन को बोलूंगा कि आप जरा हनुमान जी के दर्शन करा देते हैं इनको, और मैं इस जगह पर दोस्तों केवल आध्यात्मिक भाव से मेरे आराध्य गुरुदेव हनुमान जी की जो पूजा करने ही आता हूँ। और वैसे इस टाइम वीडियो बनाने का तो मुझे डर लगता, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास में एक बाबूजी मिल गए यहाँ के स्थानीय निवासी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई डरवर नहीं है, आप वीडियो बना लीजिए अच्छा लगेगा। और ये मेरी एक जिंदगी का बहुत बड़ा मतलब हिस्सा हो गया, मतलब सन 2020 की दीपावली जो लोग धूमधाम से गाँव शहरों में मना रहे, लेकिन इन प्राचीन जो यूनिवर्सिटी थी 1000 साल पहले का, वहां पे मैं दीपावली मना रहा हूँ। और देखो यार मेरे हनुमान जी का जो दरबार कितना शानदार लग रहा है यार, इसकी कल्पना आप कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर अगर आप अकेले आ जाए ना तो तुम्हारी रूह कांप सकती है, मेरी भी, लेकिन मैं अभी यहाँ पर लोकल स्थानीय निवासी के साथ में हूँ जो मेरा कैमरामैन का काम कर रहे हैं, तो आप और ये जो गौ माता है यार, भाव जी एक मेरा नाम बोलो और मेरा अधिकारी के डालेंगे, मेरा नाम रामलाल साबरदा जी, कहाँ के हो आप? साबरदा, साबरदा गांव के हैं आप? देलनपुर में सुकरेटी गार्ड की नौकरी करी राजपूतना कंपनी। तो देखो यार वो गौ माता देखो वो दीपक को सूंघ रही है, शायद वो चल गई होगी दीपक से, कितना प्यारा दरबार लग रहा है यार, ये सब तमाम आदमी है। और मैं आपको अंदर से हनुमान जी के दर्शन करवाता हूँ यार, मेरी जो गौ माता मेरे को डांट भी नहीं है, बहुत अच्छी बहुत लगाव है इनसे। आइए बाबू जी आगे आइए फटाफट से, पूजा पाठ करके मैं जो धनवंतरी धनतेरस के दिन भी यहाँ आया था। तो दोस्तों ये है मेरे जो आराध्य गुरुदेव हनुमान जी, जिनकी मैं तपस्या करने के लिए दोस्तों यहाँ आता हूँ देलनपुर में, ये काफी दूर है झालावाड़ जिले से, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है तो मैं यहाँ आता हूँ। और आज मैंने डिसाइड किया था कि यार दीपावली जो हमें पुराने टाइम जैसे मनानी, यहाँ पर दोस्तों कोई फटाका वटाका नहीं चल रहा, ना कोई फूलझड़ी कुछ नहीं है, केवल दीपक और आदमी है और शांति शांति है दोस्तों। तो ये था हनुमान जी का मंदिर, और अब एक बार जाते हुए इधर से और दिखा दे, बाबू जी पास में आके दिखा दो हनुमान जी का मंदिर।
आप देख सकते हैं ये मूर्ति है, बहुत करामाती मूर्ति है दोस्तों। अगर ये किसी को दर्शन दे दे तो इससे ही उसके सब कुछ काम पूरे हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं आगे गणेश जी है, यहाँ पर हमने जो भी नारियल वारियल छोड़े थे, लेकिन अब ये परिक्रमा मार्ग है। तो इस तरीके से दोस्तों आज की जो दीपावली सन 2020 की, वो मैंने प्राचीन 1000 वर्ष पुराने जो खंडर वीरान जो किला उसमें मनाई है। कितनी शांति है, इतना शांत वातावरण, ना कोई फटाफट जड़ी, नीचे बैठो और अच्छा मजा आ रहा है। हाँ, बस बोलो, बहुत गजब का मजा आ रहा है।